बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हम साथियों अस्सलाम वालेकुम। शेफ बिलाल खट्टे मीठे चटपटे अचार की रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरोफिया से होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बुद्ध अचार। बहुत ही जल्दी बनने वाला अचार है और 5 मिनट में आप अपने ही घर में तैयार करके इसको सेव कर सकते हैं। तो आएँ जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने वेजिटेबल ले ली, आप अपनी चॉइस के मुताबिक वेजिटेबल ले सकते हैं। कैरेट इस अचार में मस्ट होती है, आप इसके स्लाइस कर लें। तो इस तरह आप सारे इसके कैरेट के स्लाइस कर सकते हैं। इसके साथ मेरे पास ऑनियन है, प्याज, प्याज के हम स्लाइस कर लेंगे। कुकम्बर है मेरे पास, कुकम्बर को हम सीडलेस कर लेंगे। जी तो हम इसके भी सेम स्लाइस कर लेंगे। कुकम्बर का आपने अचार नहीं खाया होगा, बहुत ही मज़े का अचार है। तो इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी तो हमारे पास 3 चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब इसके साथ हमारे पास है ग्रीन चिल्ली, ग्रीन चिल्ली को भी हम इस तरह काट लगा लेंगे और आप इस तरह इसका वाइट पार्ट निकाल भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। जी तो ये मेरे पास 4 ये वेजिटेबल रेडी हो चुकी हैं। लेमन हो गया, लेमन को आप सीडलेस भी कर सकते हैं। और गार्लिक, गार्लिक का अचार बहुत ही मज़े का अचार है, आप लोगों ने ये भी नहीं खाया होगा। तो आज ये हमारे पास वेजिटेबल 5-6 किस्म की वेजिटेबल हमने रेडी कर चुके हैं जिनका हम अचार बनाएंगे। तो इसके साथ हम स्पाइस ले लेंगे। स्पाइस में हमारे पास साल्ट, रेड चिल्ली, क्वांटिटी आपके सामने है, कलवंजी मैंने ले ली, सौंफ है मेरे पास, मेथरे हैं और ये मेरे पास लेमन जूस है, फूड कलर है और गार्लिक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। हमने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर ऑयल, ऑयल के साथ हमने जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था हमारे पास हम वो शामिल कर देंगे। तो इसके साथ हमने जो वेजिटेबल कटिंग की हुई सारी वेजिटेबल को डाल देंगे और इन वेजिटेबल को अच्छी तरह सोते कर लेंगे हम। बहुत ही मज़े का अचार है, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोग इसको दोपहर के लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं हर खाने के साथ। सारे स्पाइस जो थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। वैसे तो अचार जो माँ बनाती है उसका ही जायका होता है क्योंकि माँ के हाथों का टेस्ट अलग ही टेस्ट होता है। तो हमारे घरों में भी ज़्यादातर माँ के हाथ का ही चार चलता है, सर लेमन जूस है। तो आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपकी मम्मा भी खुश होंगी, मैं भी अपने घर में बनाता होता हूँ तो एक नई चीज़ बन जाएगी और आप लोग इसको डेली के इस्तेमाल में, डेली खाने में ले सकते हैं। और रेड फूड, येलो फूड कलर है मेरे पास, इसके थोड़े से ड्रॉप ले लेंगे हम ताकि इसकी कलर थोड़ा और अच्छा बन जाए और फूड उसका बन जाए। जी तो अब हमारे पास अचार रेडी होने वाला है बस। तो जी अब हम इसका लो फ्लेम के ऊपर इसको आप जो पानी है वो खुश कर देंगे जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा, हम इसको लंबे अरसे तक भी चला सकते हैं। तो अब हम इसको स्टीम दे देंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ताकि हमारा अचार जो है ऑयल छोड़ दे और इसमें से पानी जो है ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी शक्ल कितनी मज़े की बन चुकी है आलू इसकी। आप इसको फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं, अगर आपने इसको बाहर रखना है तो आप इसके अंदर सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए लंबे अरसे तक के लिए चलेगा माशाल्लाह। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।